गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर फिफ्टीन लाइट ऑफ साइंस ऑफ क्लास सेवेंथ सो स्टार्ट विद द टॉपिक प्लेइंग विद द स्फेरिकल मिरर्स सो इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी करेंगे पहेली एंड भूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर भूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड शा हीज इमेज इन इट तो पहेली और भूजो क्या अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे और इतने में भूजो ने क्या एक स्टेनलेस स्टील को उठाया प्लेट को और उसमें अपनी इमेज को देखने लग गया ओ दिस प्लेन एक्ट एज अ प्लेन मिरर तो वो जो प्लेट थी वो एज अ प्लेन मिरर की तरह एक्ट किया उसने बिकॉज उसको इमेज अपनी जो थी जिस तरह से प्लेन मिरर में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इरेक्ट मतलब सीधी और सेम साइज़ की दिखाई देती है तो इसी तरह से जब आप प्लेट को उठा के देखोगे जो कि स्टेनलेस स्टील प्लेट थी उसको उसने भूजो ने जब उठा के देखा तो उसको अपनी जो इमेज है वो बिल्कुल वैसी दिखाई दी जैसे उसे मिरर के आगे दिखाई देती है पहेली सा हारा यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून भूजो लुक हेयर आई कैन ऑल्सो सी माई रेक्ट मेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज पहेली ने जब उसका बैक ऑफ स्टील उठाया जो स्टील स्पून था उसको उठाया बैक को उसके और उसने उसके, उसके अंदर देखा और उसको उसने कहा कि मुझे भी अपनी इमेज जो है वो सीधी दिखाई दे रही है पर लेकिन वो क्या है स्मॉल है साइज़ में दिस स्पून आल्सो एक्ट एज ए मिरर ऑफ सम काइंड सेट पहेली तो पहेली ने कहा कि ये भी एक मिरर है कोई टाइप है मिरर की मींस यू कैन आल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज तो आप किसी भी शाइनी सरफेस या स्पून को यूज कर सकते हैं अपनी इमेज देखने के लिए एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट फाइव टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून क्या करना है आपने एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर यूर फेस एंड लुक इन टू इट जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है इस तरह से आपने ये स्पून लेना है उसका जो आउटर बाहर का बाहर वाला पोर्शन है उसको अपने फेस के पास लेके आना है और इसके अंदर अपनी इमेज देखनी है डू यू सी योर इमेज इन इट क्या आपको आपकी इमेज इसके अंदर दिखाई देगी येस yes, देखो इस, इस फिगर में दिखाई दे रही है इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वट यू सी इन अ प्लेन मिरर तो क्या ये इमेज डिफरेंट है प्लेन मिरर से इज़ दिस इमेज इरेक्ट क्या ये इमेज इरेक्ट है मतलब सीधी दिखाई दे रही है जैसे आप हो आपका सिर ऊपर है वैसे ही आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है कि आपका सिर आपकी बॉडी से ऊपर है तो हाँ तो ये वाली इमेज क्या इरेक्ट है इज़ द साइज ऑफ द इमेज बी द सेम स्मॉलर और लार्जर तो आप देखोगे कि जो ये साइज़ है आपका इमेज का वो आपके जो आपके जो आपने जब प्लेन मिरर में देखा था वो बिल्कुल सेम दिखाई देते जैसे आप हो बट लेकिन जब आप इस मिरर से देखोगे जो आउटर साइड है स्पून का तो आपको अपनी इमेज स्मॉल दिखाई देगी नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून पहले आउटर साइड यूज़ की थी स्पून के अब क्या करनी है इनर साइड देखनी है जब आप इनर साइड से देखोगे स्पून के दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज़ इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज़ तो अब आप आपको पता चलेगा कि जो आपकी इमेज है जब आप देखोगे इनर साइड से आपने अपने फेस के बिल्कुल पास रखा हुआ है तो आप जब देखोगे कन मिरर इस मिरर से ये जो मिरर है जिस जिसका इनर साइड है स्पून का तो आपको जो अपनी इमेज है वो इरेक्ट मीन सीधी दिखाई देगी और आपको लार्जर इन साइज़ दिखाई देगी मीन्स जो उसका साइज़ होगा आपके इमेज का वो लार्ज होगा बट लेकिन जैसे ही आप स्पून को इस स्पून को दूर लेके जाओगे अपने फेस से तो आप देखोगे कि जो आपकी इमेज है वो इन्वर्ट हो जाएगी मीन्स उल्टी दिखाई देगी जैसे इस फिगर में दिखाई दे रही है पहले तो आपने इसका जो इनर साइड वाला पोर्शन है उसको अपने फेस के पास रखा था तो आपको इमेज का बिल्कुल इरेक्ट दिखाई देगी जैसे प्लेन मिरर में दिखाई देती है मीनस सीधी दिखाई देगी और जो उसका साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा लेकिन जैसे ही आप इस इमेज को दूर लेके जाओगे अपने से तो आपको जो ये इमेज है वो क्या दिखाई देगी। आप अपने फेस की जगह पेंसिल या पेन भी यूज कर सकते हैं तो आपको उसकी निब की टिप से पता चल जाएगा कि आपकी इमेज इन्वर्टेड हो रही है कब उसका लार्ज किस तरह से साइज जो इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है द कर्व्ड शाइनिंग सर्फेस उसे ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर तो ये जो कर्व्ड शाइनिंग सर्फेस थे मिरर के जिनमें हम अपनी इमे स्पून के जिनमें हम अपनी इमेज देख पा रहे थे वो एक्चुअली में क्या है एक तरह से मिरर का, का काम करते हैं द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिररर तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो कॉमन है कर्व्ड मिररर की वो कौन सी है स्फेरिकल मिररर्स हैं कर्व्ड मिरर मीन जैसे एक तो प्लेन मिरर होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है तो कुछ मिरर्स होते हैं इस तरह जिनके अंदर इस तरह से कर्व होते हैं जैसे ये स्पून में है तो उनको हम क्या बोलते हैं कर्व्ड मिरर्स बोलते हैं अगर तो कहते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस फेरिकल मिररर का कंकेव है मीन्स कनकेव मीन्स अगर कोई स्फेरिकल मिररर है देखो अगर आप इसको इस डायग्राम इस को इस तरह से एक्सटेंड करते हो इस तरह से डॉटर डॉटर लगाते हो यहाँ पर तो ये एक तरह से स्फियर बन जाएगा तो ये जो कर्व्ड पोशन है वो एक स्फियर का पोशन है मीन्स एक स्फेरिकल बोल को अगर आप कट करते हो तो उसके अंदर भी इस तरह से ऐसे कर्व्ड पोशन बनेगा तो मीन्स ये जो कर्व्ड पोशन है वो एक स्फेरिकल पार्ट का इसीलिए इनको क्या बोलते हैं स्फेरिकल मिररल भी बोल मिरररस भी बोलते हैं अगर कहते कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मीन्स जिसपे लाइट फॉल हुई और रिफ्लेक्ट होगी बैक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मिरर होते हैं उनके सरफेस से क्या करती है जो लाइट है वो इस तरह से फॉल करती है और वो स्ट्राइक कर जाती है बैक कर जाती है रिफ्लेक्ट उसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट कर जाती है तो वो सिर्फ किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से करती है तो कहते हैं कि अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस फेरिकल मिरर का कंकेव है मीन्स ये अंदर वाला पोर्शन है ये बाहर के पॉलिश दिखा रहे हैं जो इस तरह से लाइनिंग की हुई है ये वाला अंदर वाला पोर्शन क्या है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का शाइनिंग सरफेस है अगर यहाँ से अगर कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव है मींस ये अंदर वाला है तो उसको क्या बोलते हैं कनकेव मिरर बोलते हैं लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है मींस ये आउटर वाला पोर्शन कन्वेक्स मिरर सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको क्या बोलते हैं कन्वेक्स मिरर बोलते हैं कनकेव में इनर साइड कन रिफ्लैक्टिंग होता है और कन्वेक्स में आउटर साइड जो है वो क्या होता है रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है तो ये जो स्पून था जिसका आउटर साइड से हम देख रहे थे वो क्या है कन्वेक्स और जो ये स्पून का इनर साइड से हम अपनी इमेज को देख रहे थे वो वाला कौन सा पोर्शन है कनकेव मिरर तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्फेरिकल मिरर क्या है वो पार्ट किसके होते हैं स्फीयर के देखो बॉल की एग्जांपल दी थी मैंने आपको अगर आप एक स्फेरिकल बॉलर से कट करते हो तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है बॉल का वो क्या है कनकेव और ये जो बाहर वाला पोर्शन अगर वो रिफ्लेक्टिंग है तो वो कौन सा है कन्वेक्स सरफेस है द इनर सर्फेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कंकेव मिररर वाइल इट्स आउटर सर्फेस एक्ट लाइक अ कन्वेक्स मिररर वी नो दैट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर नॉट बी ऑबटेंड ऑन अ स्क्रीन हम देखो जो प्लेन मिररर में हम अपने आप को देखते हैं डेली मिररर में तो हम अपनी जो इमेज है उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं अब हमने ये चीज को इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या ये ये जो इट इज़ इफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिररर क्या जो कंकेव मिररर है उसकी इमेज को भी हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते तो एक्टिविटी दे है क्या करना है आपने टेक अ कनकेव मिरर इस तरह से जैसे इन्होंने हैंड में होल्ड किया हुआ है इस तरह से आपने कनकेव मिरर लेना है होल्ड इट फेसिंग द सन इसको इस तरह से होल्ड करना है कि सो सन की तरफ ये फेस करे ट्राई टू गेट लाइट रिफ्लेक्टेड बाई द मिररर ऑन अ शीट ऑफ पेपर तो यहाँ पे सामने क्या रख लेनी है एक शीट लेकर रख लेनी है पेपर पेपर शीट रख लेनी है अब क्या करना है देखो मिरर है मिरर था मिरर के ऊपर क्या पड़ रही हैं सन की रेज पड़ रही हैं अब इन रेज को इस तरह से मिरर के इस तरह से शीट के ऊपर एडजस्ट करना है कि वहाँ पे एक प्रॉपर जो सन की है इमेज बने तब तक एडजस्ट करना है डिस्टेंस पेपर को तब तक हमें एक शार्प ब्राइट स्पॉट नहीं मिल जाता एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट जैसे इस फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो तब तक आपने इस पेज की शीट को ये जो शीट ऑफ पेपर है इसको एडजस्ट करते रहना जब तक आपको ब्राइट स्पॉट नहीं मिलता एक्चुअल में वो ब्राइट स्पॉट क्या होगा वो इमेज होगी सन की बिकॉज सन क्या है यहाँ पर अपनी रेस डाल रहा है और यहाँ से सन की जो पिक्चर बन रही है इमेज बन रही है वो उसको हमने स्क्रीन पर स्क्रीन पर दिखाना है तो तब तक आपने स्क्रीन की पोजीशन को हटलाते रहना जब तक प्रॉपर वहाँ पे स्पॉट नहीं बन जाता तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद वो पेपर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा अगर ब्राइट स्पॉट बन गया प्रॉपरली तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज सारी की सारी जो हीट है वहाँ फोकस हो जाएगी और जिसकी वजह से वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और पेपर जो है आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन एक्चुअल में वो ब्राइट स्पॉट क्या थी वो सन की इमेज थी नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन अब देखो ये इमेज है जो हमने सन हमने मिरर रखा मिररर में सन की इमेज बन रही थी और इस, उस इमेज को हमने स्क्रीन पर दिखा दिया तो मीन्स हम इस ये वाली जो इमेज है स्क्रीन पे बन रही है तो कोई भी इमेज एन इमेज फॉर्मड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज अगर कोई इमेज स्क्रीन पे बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं और अगर जो हम इमेज जो हम लोग प्लेन मिरर में बनाते हैं वो हम स्क्रीन पर नहीं ले पाते और उनको क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज तो दो तरह की इमेजेस होती हैं अगर कोई इमेज स्क्रीन पे ले सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रियल इमेज और अगर इमेज स्क्रीन पर नहीं ले सकते तो उसको क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में कैंडल फ्लेम की इमेज को लेके आना है विद द यूजिंग स्क्रीन पे लेके आना है और किस किस मिरर की यूज से कंकेव मिरर से अब क्या करना है फिक्स अ कनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडी वुड डू एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल फिगर फिफ्टीन पॉइंट वन फाइव तो आपने क्या करना है इस तरह से मिरर को एक स्टैंड पे रख देना है प्लेस अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट इस तरह से पीछे एक कार्डबोर्ड शीट पे व्हाइट पेपर रख दिया है दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन और ये वाइट शीट के स्क्रीन का काम करेगी अब आपने एक लाइटेड कैंडल लेनी है और उसको फिफ्टी सेंटीमीटर मिरर की दूरी पर रख देना है ट्राई टू अपटेन द इमेज ऑन द फ्लेम ऑफ द ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन हमने इस फ्लेम की जो इमेज है जो मिररर में बन रहा है उसको स्क्रीन पर लेके आना है आप क्या करोगे इसके लिए आप स्क्रीन को मूव करोगे जब तक आपको शार्प इमेज नहीं दिखाई देगी जैसे ही शार्प इमेज दिखाई देगी आपने वहाँ पे स्क्रीन को रोक देना मीन्स मूव करना बंद करवा देना मेक श्योर दैट स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर इज द इस इमेज रियल और वर्चुअल इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम तो आप देखोगे फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अपनी कैंडल रखी थी तो आपको ये इमेज इमेज है जो स्क्रीन की इमेज है स्क्रीन पर जो इसकी इमेज दिखाई दे रही है फ्लेम की देखो फ्लेम की टिप ऊपर है यहाँ पर फ्लेम की टिप हमें नीचे दिखाई दे रही है मीन्स हमें इमेज क्या दिखाई दे रही है उल्टी दिखाई दे रही है इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है और अगर हमने इसकी इमेज को स्क्रीन पर ले लिया है तो इसका मतलब ये कौन सी इमेज है रियल इमेज है हमें कौन सी दिखाई दे रही है ये रियल और इन्वर्टर दिखाई दे रही है उल्टी दिखाई दे रही है और ये साइज इसका सेम नहीं है इसका साइज़ क्या है स्मॉल साइज है एज़ कंपेयर टू दिस फ्लेम अब आपने क्या करना है सेकेंड केस में कैंडल को मूव करना है टुवार्ड्स द मिरर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मूव करते रहना है आपने अब आप देखोगे इस केस में जब आप उसके पास थोड़ा सा लेकर गए तो ये जो साइज था इमेज का अभी भी ये स्क्रीन पे आ रही है इमेज हमारी स्क्रीन पे आ रही है तो मतलब कौन सी इमेज बन रही है रियल बन रही है और हमें ये उल्टी दिखाई दे रही है देखो इसका टिप ऊपर है इसका टिप नीचे है फ्लेम का अपर टिप है जो तो वो क्या है इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एंड इसका जो साइज़ है देखो पहली इमेज में कम था अब इमेज में इसका साइज़ जो है ज़्यादा हो गया है बढ़ गया है साइज़ तो अब साइज क्या इंक्रीज हो गया जैसे आप कैंडल को मिरर के पास लेके जा रहे हो तो इमेज का साइज़ क्या इंक्रीज हो गया तो ये दोनों केसेस में कौन सी इमेजेस बन रही हैं रियल इमेजेस बन रही हैं बिकॉज हम इनको स्क्रीन पर ले पा रहे हैं तो ये वाले केसेस में स्क्रीन पर इमेजेस आ रही हैं तो इन ये इमेजेस क्या है कंकेव मिरर क्या बना रहा है रियल इमेजेस बना रहे हैं अब आपने बिल्कुल ही पास लेके थर्ड केस में देखो कंकेव मिरर के बिल्कुल ही कैंडल को पास लेंगे जब आप इसको बिल्कुल कनकेव मिरर के पास लेके जाओगे तो आप देखोगे कि जो स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगी इमेज आपको मिरर में दिखाई देगी और वो बहुत ज्यादा क्या होगी लार्ज इमेज होगी अब हम इसको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही है मीन्स हमें अब ये इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी इमेज हुई वर्चुअल इमेज हुई बिकॉज जो इमेज हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते उसको क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं तो हम ये नोटिस कर रहे हैं इस एक्टिविटी से कि जो कंकेव मिरर है वो दोनों टाइप्स की इमेजेस बनाता है रियल इमेजेस भी बनाता है और वर्चुअल इमेजेस भी बनाता है वी सी दैट इमेज फाउंड बाई कन कैमरा कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज में भी रियल और वर्चुअल तो स्मॉल भी होती है और लार्जर भी होती है देन द ऑब्जेक्ट जितना हमारा ऑब्जेक्ट होता है और रियल भी बनाते हैं और वर्चुअल भी बनाते हैं सो कनकेव मिरर को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं देखो ये इसकी ये जो इमेज है बड़ी बनाता है इसलिए इनको क्या है डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स नोज़ एंड थ्रोट अगर आपकी आँख में कुछ चला गया है, तो कनकेव मिररर को आपकी आँख के पास रखते हैं डॉक्टर्स जिसकी वजह से बिल्कुल पास रखती है आपके आइज में तो जो भी आपकी आँख के अंदर पड़ा है वो आपको बड़ा डॉक्टर्स को बड़ा साइज़ में दिखाई देगा और वो इजली उसको बाहर निकाल देंगे कनकेव मिररर्स आर ऑलसो यूज बाई डेंटिस्ट टू सी एन ए लार्ज इमेज ऑफ द टीथ तो आपके टीथ का जो लार्ज साइज दिखाई दे तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं लोग डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं कनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं वो कनकेव मिरर को आपके टीथ के पास लेके जाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं क्योंकि उन्हें साइज़ बड़ा दिखाई देता है और उनको वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में फिर ईजी रहता है द रिफ्लेक्टर्स ऑफ द टोर्चिज हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप तो जितने जो भी हेडलाइट्स होते हैं आपके व्हीकल्स के कार्स के स्कूटर्स के ये भी कनकेव शेप के होते हैं ऐसा क्यों बिकॉज जो पीछे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो बल्ले बंदर होता है उसके साथ टच हुआ होता है ये कनकेव मिरर जो शेप होती है जिसकी वजह से जो लाइट है वो लार्जर डिस्टेंस तक जाती है तो हम लार्जस्ट डिस्टेंस तक ईजीली देख सकते हैं Bujo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. तो भूजो ने क्या की? देखा जो उसके बाईसाइकिल है न्यू बाईसाइकिल है जो उसके ऊपर बेल लगी है उसका शाइनी सरफेस है उसमें उसने अपनी इमेज देखी लेकिन वो इमेज क्या थी इरेक्ट थी और साइज़ क्या था उस इमेज का स्मॉलर था ही वंडर्ड इफ़ द बेल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर कैन यू रिकोगनाइज़ द टाइप ऑफ द मिरर तो उसको हैरानी होती कि क्या जो बेल है वो भी क्या एक स्पेरिकल मिरर का पार्ट है देखो आपकी जो बेल होती है साइकिल की वो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है तो अभी आपको बताया था कि जो अगर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है मींस बाहर का है तो उसको क्या बोलते हैं कन्वेक्स मिरर बोलते हैं तो इसका मतलब जो बेल है वो कौन सा मिरर हुई कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर हुई उन्होंने बोला ना कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ़ द मिरर तो नोट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स तो बाहर की तरफ से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका आउटर सर्फेस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो कौन सा मिरर हुआ कन्वेक्स मिरर हुआ अब हम नेक्स्ट जो कैंडल फ्लेम के साथ हमने कनकेव मिरर के साथ एक्टिविटी परफॉर्म की थी अब हम वो कन्वेक्स मिरर यूज़ करके परफॉर्म करेंगे तो आपको देखो क्या मिल रही है इमेजेस तो आप जिस मर्जी पोजीशन पे रखो कैंडल को कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स मिरर के केस में आपको हमेशा इमेज एक तो वर्चुअल मिलेगी मीन्स हम उसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं हमेशा आपको यहाँ पर इमेज दिखाई देगी मिरर के अंदर हम इसको स्क्रीन पे नहीं ऑप्टेन कर सकते जो जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ऑप्टेन कर सकते वो कौन सी होती हैं वर्चुअल इमेज होती हैं एंड डिड यू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट तो हमेशा कन्वेक्स मिरर के केस में स्मॉलर इमेज बनती है और इमेज हमेशा इरेक्ट जो हमें जो इसका ऊपर वाला टिप है वही मिरर के अंदर भी हमें ऊपर वाला टिप सामने दिखाई देगा अपर फ्लेम दिखाई देगा अगर कैंडल की बॉडी जो वैक्स नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे दिखाई देगा और अपर वाला पोर्शन अपर ही दिखाई देगा मीन्स इरेक्ट इमेज बनेगी सीधी इमेज बनेगी तो कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाते हैं वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज मीन्स जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उसके कंपेयर में स्मॉलर साइज बनाते हैं इमेज में इसीलिए कैन यू नाउ रिकोगनाइज द मिरर्स यूज जैसे साइड व्यू मिरर्स साइड मिरर्स इन स्कूटर्स तो जो स्कूटर्स होते हैं या आपके कोई भी व्हीकल्स होते हैं तो उनमें साइड व्यू मिरर कौन सा होता है कन्वेक्स मिरर होता है बिकॉज उसमें क्या है जो पीछे आ रहे ऑब्जेक्ट्स है, हैं जो व्हीकल्स हैं उनकी इमेज एक तो इरेक्ट सीधी बनती है जैसे वो आ रहे हैं वो सीधे दिखाई देते हैं और उनका जो साइज होता है स्मॉल होता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं पीछे आसानी से दिख जाते हैं अपने साइड व्यू मिरर से कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया तो मीस बहुत ज़्यादा एरिया में जितने भी वहीकल्स आ रहे हैं पीछे से वो हमें ईजिली दिखाई देते हैं बिकॉज जो कन्वेक्स मिरर है वो स्मॉल इमेज बनाता है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जो वहीकल्स हैं पीछे से आते हुए दिखाई देते हैं सो दीज हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहंड दैम जिसकी वजह से हम ट्रैफिक जो पीछे से आ रही है वो देख सकते हैं इस मिररर की हेल्प से तो नेक्स्ट टॉपिक जो लेंसीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लन करूँगी